प्रभु जी, आप ये बताएं कि आज के जो युवाओं को आप देख रहे हैं, लाइफ स्टाइल बदल गई है उनका, सोचने का तरीका बदल गया है, जीवन उनका बदल गया है। क्या लगता है आपको, क्या प्रायोरिटी जिनकी बदल गई है, ऐसा क्यों हो रहा है? प्रायोरिटी बदलने का कारण है मॉडर्न मॉडर्निटी तो, और हमारा कल्चर। तो हमारे पूर्वज, हमारे एंसेस्टर्स, उन्होंने जो है कल्चर्स को मॉडिफाई किया और वो कल्चर जो है बच्चों को दिया, और बच्चे जो है आज युवा के स्तर पर हैं तो इस चेंज को एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो ये परिवर्तन जो है, ये जो चीज़ें परिवर्तन हो रहा है, इसके पीछे जो एक्चुअल कई कारण है। पहला कारण है कि जो हमारा फाउंडेशन है वो स्ट्रांग नहीं, जो हमारा कल्चरल फाउंडेशन है वो स्ट्रांग नहीं। दूसरा, एजुकेशन नहीं है, कल्चरल या स्पिरिचुअल एजुकेशन नहीं है। तीसरा, मॉडर्निटी का इन्फ्लुएंस जो है सोशल मीडिया के माध्यम से या टेक्नोलॉजी के माध्यम से या फिर सोशल फैक्टर के माध्यम से बहुत ही ज़्यादा बम्बार्डिंग करते हैं, तो एजिटेट करते हैं, हमारे हमारे डिज़ायर्स को एजिटेट करके डिस्ट्रैक्ट करते हैं। तो इन सभी के वजह से जो है युवाओं की ऐसी परिस्थितियां हैं। प्रभु जी, चूंकि आज हम युवाओं पे ज़्यादा बात कर रहे हैं, तो एक बड़ा ही गंभीर सवाल आपसे है। आज के युवा देर रात तक पार्टी करते हैं, देर रात तक नाइट क्लब में रहते हैं, डांस करते रहते हैं रात रात भर, और देर रात तक जगने का उनका एक वो है, और इस कारण कई बार वो नशे की गिरफ्त में होते हैं, कई बार बुरी आदतों के शिकार हो रहे हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? क्या कारण हो सकते हैं युवाओं में इस तरह से गलत प्रवृत्ति के डेवलप होने का? भगवद गीता सिद्धांत के अनुसार अगर इनको हम समझें तो तीन गुण होते हैं, सात्विक, राजसिक, तामसिक। और मनुष्य जो है जिन गुणों में अधिक समय रहता है उस प्रकार से उसकी थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग्स डेवलप होती हैं। तो जो सात्विक गुण के अंतर्गत रहते हैं, जी सात्विक विचार होते हैं, सात्विक इच्छाएं होती हैं, सात्विक कर्म होते हैं, जिनकी जो रजोगुण में अधिक समय रहते हैं तो उनका थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग राजसिक होता है। राजसिक का अर्थ है एम्बिशंस बहुत स्ट्रांग होते हैं, सेल्फ सेंटर्डनेस स्ट्रांग होते हैं, और ये थोड़े साथ ये जो है थोड़े धार्मिक होते हैं। लेकिन जो तामसिक गुण में अधिक समय रहते हैं तो उनकी थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग ऐसी होती है जिसमें स्वयं का पतन करते हैं और दूसरों का पतन करते हैं। तो मुख्यतः शास्त्र के दृष्टिकोण से जो नाइट क्लब इत्यादि में जाते हैं ये है तामसिक प्रवृत्ति, अर्थात ये तामसिक गुणों के से ज्यादा प्रभावित होते हैं। तो इनका निवारण जो है फाउंडेशन स्ट्रांग करना। फाउंडेशन का अर्थ है कि उनको एजुकेशन जो है, उनको उनका एजुकेशन के समय में ही जो है उनको इन सभी शिक्षाओं को देना चाहिए कि इस प्रकार की कल्चर्स, सात्विक कल्चर, राजसिक कल्चर और तामसिक कल्चर, इनका प्रभाव, बैड इम्पैक्ट्स क्या क्या होता है, ये सभी शिक्षाएं जो है एजुकेशन के माध्यम से शास्त्र की शिक्षाओं को देना अति आवश्यक, जो कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में हमने अपने जीवन काल में ही देखा, हमने अपने कॉलेज में देखा, अपने स्कूल में देखा, ऐसी शिक्षाएं हमें कहीं नहीं दी गई। ये शिक्षाएं हमें जो है हमारे 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 दादा या नाना, मतलब हमारे एंसेस्टर के माध्यम से जो कुछ मिल सकता था वही मिलता था। दूसरा माध्यम था साधु संघ से, तो कुछ ऐसे अच्छे संतों का संग मिलने से और शास्त्रों को समझने के लिए हमें हम शास्त्रों को जब हमने समझना शुरू किया तब हमें समझ में आया ये सब चीज़ें। तो अगर यही चीज़ें जो है युवाओं को उपलब्ध करा दिया जाए, ये एजुकेशन और ये ज्ञान और ये ऐसा कल्चर अगर हम युवाओं को दे दें तो ऐसी परिस्थितियां कभी नहीं। प्रभु जी, मतलब कुल मिला जुला आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आध्यात्मिकता का
युवाओं के जीवन में समावेश हो, अगर वैदिक जीवन शैली को शिक्षाओं में शामिल किया जाए तो युवा नशे से, बुरी आदतों से दूर हो सकते हैं, क्या कुल मिलाकर आप यही कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल सही। तो इसमें और क्या, कैसे आखिर ये कैसे बदलाव करेगा और कैसे ये युवा इन आदतों से दूर हो सकते हैं या ये फिर नशे से दूर हो सकते हैं, इसको कैसे जरा हमारे खोल के जरा दर्शकों को बताइए। टेस्ट, सो जिस प्रकार का टेस्ट होता है उस प्रकार से इंस्पिरेशन मोटिवेशंस मिलते हैं। जी बिल्कुल। तो युवाओं को जब हम बाल अवस्था से ही जो है ऐसा ट्रेनिंग देते हैं, ऐसा शिक्षा देते हैं और उनको जो है ट्रेन करते हैं आध्यात्मिकता में, उनको आनंद आध्यात्मिकता का अनुभव कराते हैं, तो आध्यात्मिकता का अनुभव करने के बाद एक हायर टेस्ट डेवलप होता है। जी। जैसे हम कहते हैं किसी लकीर को छोटा करना है तो हमें उसके आगे एक बड़ी लकीर खींचनी, बड़ी लकीर। बिल्कुल बिल्कुल। तो वैसे ही हम जो भी कार्य कर रहे हैं उसके पीछे आनंद कारण है। जी। तो युवाओं को जो है ये सिखा दिया गया है कि नशा में आनंद है, अवैध संग में आनंद है, इत्यादि दुष्कर्म में आनंद है, और ये आनंद जो है उनको ज्यादा श्रम करना नहीं पड़ता। चोरी करना में क्या मेहनत करना है, लेकिन श्रम करके वही धन उपार्जन करना मेहनत का कार्य होता है। तो उनको इस प्रकार की सिस्टम में डाल दिया गया है जिसके वजह से वो जो है इस प्रकार के दुष्कर्म कर्म कर रहे हैं। तो अगर यही युवाओं को ट्रेनिंग दिया जाए, आध्यात्मिकता का अनुभव कराया जाए, एक परम आनंद का अनुभव कराया जाए, तो ये हमेशा देखा गया है कि हायर टेस्ट डेवलप होने के बाद व्यक्ति लोअर टेस्ट को छोड़ देता है। तो जब आध्यात्मिकता का आनंद अनुभव प्राप्त कर लेंगे तो इस प्रकार के दुष्कृत कर्म जो है जाते हैं। और ओवरऑल इन सारी शिक्षाओं का मूल है आत्मिक शांति, मानसिक शांति। तो क्या, क्योंकि आप काफ़ी समय से इस्कॉन डिवोटी के तौर पे जीवन यापन कर रहे हैं और इस्कॉन से जुड़े हुए हैं, उनकी शिक्षाओं से, उनके दर्शन को आप आत्मसात किए हुए हैं, तो क्या आपको लगता है कि इस्कॉन की शिक्षाएं युवाओं के मानसिक शांति के लिए, उनके आत्मिक संतोष में काफ़ी हद तक मदद कर सकती है? बिल्कुल। इस्कॉन ने जो है अभी हाल ही में जो है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, जहाँ पर कई हजार युवा एक साथ आकर संकल्प लेते हैं कि जो है वो अपने जीवन में कभी नशा नहीं करेंगे, कभी जो है अवैध संग नहीं करेंगे, कभी जो है इंटॉक्सिकेशन नहीं करेंगे, गैम्बलिंग नहीं करेंगे, नो इलिसिट सेक्स, जो इस्कॉन के चार सिद्धांत हैं जो जिनसे हमें बचना चाहिए। उन कई हजार युवाओं ने एक छत के नीचे आकर संकल्प लिया था। तो निसंदेह इस्कॉन जो है कई वर्षों से जो है कई युवाओं के जीवन को जो है परिवर्तित ट्रांसफॉर्म किया है, उनके जीवन में जो है बहुत अधिक वैल्यूज क्रिएट किए हैं और करता आ रहा है। तो हम अपने आसपास भी देखते हैं कि कहीं ना कहीं युवाओं में जो खालीपन आज के डेट में घर कर रहा है वो कहीं ना कहीं उनको नशे की तरफ ले जाती है, और फिर ये चीज़ ये वो उससे सबसे ज़्यादा परेशान भी हैं। तो क्या कृष्ण भक्ति या फिर वैदिक जीवन शैली इस खालीपन को दूर कर सकता है युवाओं के अंदर से? बिल्कुल। सो इसे समझना होगा, वैदिक जीवन और भक्ति ये क्या है। ये मूलतः ये है कि प्रॉपर इंगेजमेंट, हम इंगेज रहना चाहते हैं। अगर आपको एक रूम में विदाउट मोबाइल, विदाउट एनी थिंग्स, एलोन छोड़ दिया जाए तो बहुत कठिन होगा, क्योंकि हम भी एक सामाजिक प्राणी हैं, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, जो हमने स्कूल में पढ़ा है और ये वास्तविकता कई स्तर पर जो है, सामाजिक स्तर पर जो है ये सत्य है। तो हमारी सोशल नीड है, हमारी पर्सनल नीड है, उसी प्रकार से हमारी स्पिरिचुअल नीड है। तो अगर सभी नीड पूरी की जाए, तो सभी नीड जो है जब पूरी होती हैं तो इन सभी जो आप बता रहे हैं इन सभी का जो है निवारण होगा। तो समाज में हमें स्पिरिचुअल नीड्स नहीं प्रोवाइड हो रही, तो स्पिरिचुअल नीड्स जो प्रोवाइड होने लगेंगी कैसे, एक प्रॉपर मैच्योर मेंटरशिप के माध्यम से, एंड अपनी एंगेजमेंट्स को, अपनी एबिलिटीज को, अपनी स्किल्स को
हायर डायमेंशन तक कनेक्ट कर पाएंगे हम, तो फिर ये एलिनेशन, लोनलीनेस, डिससेटिस्फैक्शन, ये सारी चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं। गुरु जी, सामान्य जनजीवन में लोग अपने साथी के प्रति वफादार नहीं हैं और कहीं ना कहीं उनके अंदर व्यभिचार या कहीं ना कहीं उनकी आदतें चरित्र बन जाती हैं, जो गलत आदतें चरित्र बन जाती हैं। तो स्पिरिचुअल जो प्रैक्टिस की बात है, राइट और रॉन्ग स्पिरिचुअल प्रैक्टिस क्या है? क्या वृंदावन जाने से, मथुरा जाने से उनके सारे पाप धुल जाएंगे, या फिर वे कहीं ना कहीं वृंदावन और मथुरा को कृष्ण भक्ति के को या फिर राधा रानी की भक्ति को एक तरह से ढाल बना के अपने बुरे कर्मों को छुपा रहे हैं, ऐसे लोगों को कैसे रास्ते पर लाया जाए, क्या मैसेज देंगे? देखिए, भक्ति में 64 अंग होते हैं जी, और 64 अंग में धाम वास एक अंग। तो धाम में जब जाते हैं तो निसंदेह उसका प्रभाव हमारी चेतना पर पड़ता है और कई स्तर पर हमारी चेतना को शुद्ध करता है, लेकिन सावधान भी रहने की आवश्यकता होती है कि जब हम ऐसे सेंसिटिव प्लेस पे जाते हैं तो वहाँ पर एक छोटा सा कर्म, अच्छे कर्म जो है उससे बहुत पुण्य भी मिलते हैं, लेकिन एक अवगुण है ना, निष्कर्म करने के उसके कई गुना पाप और दोष भी लगते हैं। तो जब कोई गलत कर्म कर रहा है और वृंदावन या धाम में जाकर सोचता है कि सारे पाप धुल लेंगे, तो ये हमारे श्रील प्रभुपाद इस्कॉन पौंडराचार्य जो है ऐसे उदाहरण देते हैं कि लोग जो है वेस्टर्न कंट्री में जो है मंडे पूरे वीक डेज जो है पाप कर्म करते हैं और संडे को जो है चर्च जाकर जो है और समय प्रार्थना करके सोचते हैं कि हम अपने पापों को नष्ट कर दें। तो ऐसी का उदाहरण जो है श्रीमद् भागवतम में परीक्षित महाराज भी देते हैं कि ये इस प्रकार का व्यवहार कि जितने पाप कर्म कर रहे हैं और धाम जाकर या इत्यादि स्थानों पर जाकर हम गंगा स्नान करके धुल लेंगे जी, लेकिन प्रोपेंसिटी नहीं खत्म होती। तो ऐसे व्यवहार को कंपेयर किया गया हाथी स्नान। तो हाथी जो है जब नदी में जाता है तो बहुत अच्छी तरह से स्नान करता है, बहुत अच्छी तरह से बहुत समय तक स्नान करता है, लेकिन जैसे ही नदी से बाहर निकलता है तो अपने ऊपर मिट्टी डाल लेता है। तो ऐसे आचरण को इस प्रकार से संबंधित किया गया है कि ये आचरण धाम में गए लेकिन धाम से वापस आते ही जो है वो हाथी की तरह से सारा मिट्टी जो है अपने ऊपर डाल देता है। तो ऐसे स्नान का कोई फायदा नहीं। तो हमें चाहिए अपनी प्रवृत्ति को सुधार करना चाहिए और इन प्रवृत्तियों को सुधार करने के लिए हमें जो है साधु संघ, सत्संग की आवश्यकता है जहाँ पर एजुकेशन मिलेगा। सो वी हैव टू एक्सेप्ट द एजुकेशन, एक्सेप्ट एंड एग्जीक्यूट।